हाय गाइस, मेरा नाम मनाना। दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं मेरे हाथ में एक MI का फोन है और इस MI फोन में जो प्रॉब्लम है आप यहां पे देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं, इस मोबाइल में प्रॉब्लम है कि MI लिख करके जो है ये अटका हुआ रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर इसको हम 5 घंटे भी अगर छोड़ देंगे मोबाइल को तो ये ऐसे ही रहेगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं आएगा, ये मोबाइल ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये लोगों पे अटका हुआ मोबाइल को हम फ्लैशिंग करेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मोबाइल को कैसे फ्लैश किया जाता है तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मनदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस MI मोबाइल को फ्लैश करने के लिए अपने मेडिकल बॉक्स से सबसे पहले आपको इस मोबाइल को फास्ट बूट मोड पे लाना होगा और फास्ट बूट मोड पे लाने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस और पावर की का इस्तेमाल करना होगा, एक साथ प्रेस करना होगा और ऑटोमेटिकली इसका जो फास्ट बूट मोड आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस मोबाइल को डाटा केबल से अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ADB इंटरफेस का ड्राइवर अपडेट हो जानी चाहिए आपके मोबाइल का। अगर अपडेट नहीं हो रहा है, ड्राइवर मांगा जा रहा है, तो आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। और सभी ड्राइवर की लिंक जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऑल मोबाइल USB ड्राइवर लिंक, उस वीडियो में आपको सभी मोबाइल ड्राइवर की लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ शुरू में आपको जो यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करना है। अनलॉक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फास्ट बूट सेलेक्ट करना है। फास्ट बूट सेलेक्ट करने के बाद रीड इन्फो पे चेक लगाना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और इस मोबाइल का आपको इन्फो चेक कर लेना है। इससे ये पता चलेगा आपको कि आपका मोबाइल जो है आपके टूल से जो है मेडिकल टूल से बूट कर चुका है। उसके बाद आपको रिपेयर पे क्लिक करना है। रिपेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फास्ट बूट मोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिबूट टू EDL मोड पे चेक लगाना है। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल जो है रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, और रिस्टार्ट होने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली जो है EDL मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है EDL मोड में जा चुका है। हमारा यहां क्वालकॉम का जो लोडर है हमारे डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहां पे फ्लैश पर जाना है और फ्लैश में जाने के बाद हमें अपना जो फ्लैश फाइल है हमारे कंप्यूटर में जहां भी होगा उस फ्लैश फाइल को हमें यहां पे सेलेक्ट करना है। फ्लैश फाइल सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ ऊपर में हमें यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करना होगा। पोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जो क्वालकॉम का जो लोडर है उसे सेलेक्ट करना होगा। जब ये लोडर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू मेथड, उसके बाद EDL मोड, इन दोनों को आपको यहाँ पे चेक लगा देना है। इन दोनों पे जब चेक लग जाए उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। और आपको ये बता दूं दोस्तों कि मोबाइल फ्लैश होने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है। तो इस वीडियो को मैंने पॉज करके आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ा करके आपको दिखाया है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखा रहा हूं इस मोबाइल को जो हमने फ्लैश किया है MI मोबाइल को, ये मोबाइल हमारा कंप्लीट जब फ्लैशिंग हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट फ्लैशिंग हो चुका है। उसके बाद चलिए हम इस मोबाइल को आपको ऑन करके दिखाते हैं हमारे मोबाइल का जो प्रॉब्लम था, लोगों पर अटक रहा था हमारा फ़ोन, ये फ़ोन जो है सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।